ਜਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਪਾਵਣਾ ਪੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਮੈਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਗਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਭੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦਸ ਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੇਚ ਲੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋ ਕਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰਾ ਨਾ ਨਿਕਾਲ ਦੂੰਗਾ लेकिन ये बात अपने मन में अपने मन नहीं हो सकती हमको ज्ञान नहीं होता है पर गुरु जी को तो होता है हम गुरु जी का ध्यान करते हैं गुरु जी हमारे हृदय में प्रवेश करके नारायण का ध्यान कर रहे हैं बोला भगवान चंद्र कर रहे गुरु जी के स्थान जो हृदय आप बताते हैं कई बार हमने पढ़ा भी है और आपसे वो ये मस्तिष्क होता है ध्यान तो खड़ा किया जाएगा ये एक प्रकार की धारणा है जो भगवान किसी एक देश में बंद करके तो रहता है एक सज्जन बताते थे कि धरती से सवा हाथ ऊपर और अपने से सवा हाथ पूर्व और सवा हाथ के नारायण खड़े हैं ऐसा ध्यान करो मन में ऐसा सोच और हृदय में सोचो कि हृदय में है असियम में सोचो किसी भी लेकिन चाहे शरीर के भीतर सोचो और चाहे बाहर सोचो वो होंगे तो मन में ही मानुभूति तो मानसिक है इसलिए स्थान का विशेष कई लोग वैखरी वाणी से वर्धमान में जाते हैं वर्धमान से प्रशक्ति जाते हैं प्रशक्ति से परमानंद में जाते हैं उन्हें बुरा भाग नहीं पराचित शक्ति का और कई लोग मूलाधार से शक्ति को निगाह करके और धीरे धीरे स्वादिष्ट महापुर आज्ञा चक्र में होकर शास्त्रार्थ में जाते हैं और उन्हें सिर में प्रभु का दर्शन होता है तो प्रभु कहाँ है मूलाधार में है कि शास्त्रार्थ में देखो प्रभु तो सर्वज्ञ है जो जगत का अभिन्न निमित्तों का दान कारण जिसमें देश की कल्पना है जिसमें काल की कल्पना है जिसमें वस्तु की कल्पना है वो जो प्रत्यक्ष इंद्रिय अभिन्न ग्रह तत्व वो किसी एक देश में सीमित नहीं निपुणम निभाल्य मानो रज्जुरग स्वयं के सामने दू यदि तुम्हें रस्सी में सांप दिख रहा है तो रस्सी का कोई भी हिस्सा देखो सांप का चाहे सांप का मुंह देखो चाहे पीछ देखो चाहे पूछ देखो यदि ठीक ठीक देखोगे तो वो सांप नहीं रहेगा रस्सी इसलिए भगवान का किसी भी देश में काशी में या अयोध्या में या ब्रज में या वैकुंठ में गुरुलोक में जहां भी ध्यान करोगे अपने मन में ही तो ध्यान होगा ना मन यहां से कलकत्ता जाएगा कलकत्ता मन में आवेगा और तो जीव निकाले हुए जो देरी है न मन वहां गया न देवी यहां आई हमारे मन का एक भाग देवी के रूप में हो गया हमने अपनी भावना से ध्यान से देवी का एक आर बना एक आकार बना उसमें हमारा तादाद हम ही देवी होकर लेके जा रहे हैं और हम ही देवी को देख रहे इसलिए उपासना में अहम देवी ऐसी भी उपासना होती है अहम ललिता
अनन्यता का मतलब जितना छोटा कर दो उतना छोटा हो जाता है और जितना बड़ा कर दो उतना बड़ा कर दो। सो अनन्य जाते असर अति मतलब मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत मैं सेवक और प्रभु स्वामी सेवक स्वामी की जोड़ बैठ गई। और बुद्धि क्या है जो चराचर सृष्टि मालूम पड़ती है वो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई भेदी नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में आए जीव गोस्वामी किसी भक्त के स्त्री भक्त उनका दर्शन करने के लिए गए। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज भजन कर रहे थे एक स्त्री भक्त उनका दर्शन करने के लिए और उन्होंने कह दिया कि हम स्त्रियों से नहीं बन सकते। अरे ये पुरुष कहां से आ गया वृंदावन में तो एक ही पुरुष है वो पुरुष नहीं है आश्रित के वृंदाधीन तत्पदा का असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता कुत श्याम सिंधु अनन्य का अर्थ ये है कि अपने इष्ट देव के सिवाय दूसरा कोई दिखो दूसरा कोई भगवान ने तो बहुत लीला की है जेल खाने में भी रहे हैं और गए और चतुर्भुज भी रहे हैं बालक भी रहे हैं दूध भी पीते रहे हैं चोर भी रहे हैं ग्वाल भी रहे हैं जितना भी रूप है संसार में सबके रूप में भगवान का दर्शन मत्स्य कच्छप बरा वसन सब भगवान का स्वरूप जो सब आकारों में एक है उसका नाम परमात्मा। श्रुति में दो प्रकार की उपासना है एक जातक ब्रह्म है माने सृष्टि होने के बाद नाम रूप प्रकट होने के बाद उसमें कारण विशेष से प्रकट होते हैं एक रूप है सृष्टि बनने के बाद का और प्रलय के पहले का और एक रूप है जो सृष्टि बनने से दूर था और पश्चात भी रहेगा तो उसको अजात ब्रह्म बोलते हैं वो अज है और जो सृष्टि बनने के बाद किसी नाम के रूप में किसी आकार के रूप में प्रकट होता है और भक्त लोग अपनी भावना के अनुसार उसकी उपासना करते हैं है तो वो भी वही उपासना श्रुतो धर्मो जाते ब्राह्मण वर्तते रागुत्पत्ते रदम सर्वम तेना असम कृपा सुंदर ज्ञानी लोग निष्काम रहते ही उपासना करते हैं जिज्ञासु लोग निष्काम होने के लिए उपासना करते हैं और संसारी लोग फल श्रुति सुन के उस फल की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं। प्राय उपासनाओं की जो फल श्रुति है वो लौकिक है। जात ब्रह्म की उपासना का फल अपने आत्मबोध का ज्ञान भी होता है अंतकरण शुद्धि के द्वारा ओवर ब्रह्म परमात्मा के बोध को सहायक आप
आत्मबोध में ये कोई विरोध या कोई विरोध तो यदि तुम दूसरी वस्तु चाहते हो, कोई बेटे के लिए उपासना करता है, कोई धन के लिए उपासना करता है, कोई आयु वृद्धि के लिए करता है, कोई राजा रही सारे सेवक बन जाए इसके लिए उपासना करता है, कोई सुंदरी स्त्रियां हमारे पीछे पीछे घूमी इसके लिए भी उपासना करता है, उपासनाओं के फल स्वरूप ये भी आते हैं। ऐसा भी है कि बुढ़ा से बुढ़ा आदमी है, दांत टूट गया है, विरस हो गया है, दांत केकर हो गई है और उसने उपासना करी, तो युवती स्त्रियां उसके पीछे पीछे घूमती हैं। तो नारायण अब ये सुन के मन में लालच आई, बुढ़ापे में हमको सुंदर स्त्री मिले और उपासना करने लगी। तो सकाम उपासनाओं का रूप दूसरा होता, ये जिन लोगों ने प्रशोच्चारण किया, स्व का संन्यास किया, जिन्होंने कारिषणा वित्तषणा लोकषणा का परित्याग किया, उनके लिए अंतकरण शुद्धि के द्वारा अजात कर्म का, अजात माने प्रत्यक्ष कन्या ब्रह्म कर्म कर चुका, साक्षात्कार ही मुक्त है, नहीं हुआ है तो अंतकरण शुद्धि नहीं हुआ है, तो उनकी मौज है। जिसमें सर्वाणी भूतानी आत्मैव आभूत की जानता, आत्मैव सर्वाणी भूतानी अभूत, अपना आत्मा ही संपूर्ण भूत के रूप में है, तत्व को कक्ष होगा एक आत्मैव आभूत की जानता एकत्व अनुपस्थिता, आत्मैव सर्वाणी भूतानी अभूत एकत्व अनुपस्थित विजानता विज्ञान होता विज्ञान स्वरूप से कोमो एकत्व अनुपस्थित। उपासनाएं अप्राप्त की प्राप्ति के लिए होती और तत्व ज्ञान नित्य प्राप्त स्वरूप के साक्षात्कार के लिए होती, आवरण भंग मात्र विद्या निवृत्ति मात्र ही तत्व ज्ञान का प्रयोग है, सब विराट के वही स्वामी जी। वह रामचरित मानस के श्रद्धाली का प्रसंग उठाया गया था, उसमें एक बात और समझना रहे, संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिन इंदु तमारी, इसमें जो पहला पद है संत उदय, इसका थोड़ा सा और भाव स्पष्ट होना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है, कैसे समझें कि संत उदय हुआ, इसका कहां तक भाव अर्थ जाता है, और ये किया कि क्या संत उदय शब्द मिलकर संतोदय संत हो जाएगी ना, एक वचन में संत शब्द है ना, संस्कृत में लोग बोल गए सरकार समझ न पाए, सुनवाई में शुरू कर दिए थे, राम प्रसाद जी महाराज जी से हमने इसको पूछा था, तो संस्कृत में बोल गए समझ न पाए हैं हिंदी के विद्यार्थी, संत उदय शब्द पर वैयाकरण काट देते हैं, कहते हैं संत उदय नहीं बन पाएगा, संत उदय अलग अलग रहेगा, ऐसा है व्याकरण गंभीर विषय है, जो छोटे मोटे वैयाकरण वे उसको नहीं समझते, यहाँ तो संधि है ही नहीं, स्वयं चौबाई में तो संधि नहीं, चौबाई में संधि नहीं, संत उदय संधि नहीं है तो संधि करके बोलोगे तो चौबाई बनेगी ही नहीं, स्कूल अक्षर नहीं होंगे, और अलग अलग किया उदय का अर्थ ये है जैसे सूर्योदय संतों की शांति चक्षु, सूर्य उदय होकर के क्या करता है, लोगों की यहाँ संसार के विषयों का रूप का दर्शन कर सके और कर्मकांड में वे प्रवृत्त हो सके, संध्या वंदनादि करें, गायत्री का जप करें, उपासना करें, इसके लिए सूर्योदय होता है, बारंबार सूर्योदय होने से बारंबार संध्या वंदन, बारंबार गायत्री जप, बारंबार स्नान, अपना नित्य कर्म बार बार करने का शुभ अवसर मिलता है, यदि एक ही बार सूर्योदय हो जाए तो फिर बार बार संध्या वंदन नहीं होगा, बार बार गायत्री जप नहीं होगा, परंतु संत उदय ऐसा है कृपा करके संत दर्शन देते हैं, संत के दर्शन में भी दो प्रक्रिया है,
एक तुम जब भगवान कृपा करते हैं तब संत दिन हरि कृपा मिलन नहीं सकते, जब द्रवण दीन दयाल विषाद संगति पाए और पुण्य बुद्धि बिन मिलन संता। ये भगवान की कृपा से संत मिलते हैं ये एक विधा है, और पुण्य पुंज से संत मिलते हैं ये दूसरी विधा है। और पुण्य पुंज क्या है? विद्वान सदाचारी ब्राह्मणों की जो सेवा है वही पुण्य पुंज है। उनके एक कदमा नहीं पूजा वचन पूजा। ब्राह्मण की पूजा करने से ये बता सकेंगे कि कौन संत जो है वो यथार्थ को परमार्थ को करना है। शास्त्रीय संत होगा तो वो बड़े बड़े लोगों के घर में जाएगा, उनसे लेगा देगा, ब्राह्मणों के घर में भिक्षा लेने वाले बड़ा निष्क्रिय संत होगा। इसलिए ब्राह्मणों को संत की पहचान अधिक होती है। ब्राह्मण की सेवा करते रहोगे तो कभी उनके घर में भिक्षा लेने के लिए आएंगे, विद्वान लोग उनका दर्शन करेंगे, उन्हें भी दर्शन कराने और उनके ज्ञान को तो विद्वान ब्राह्मण ही पहचान करेंगे। तीन बार ब्राह्मण में होने त्रीणी दस्यावदाता में योगिर विद्या के करें छिवे बजाने ही ब्राह्मण आवृत्ति से रक्षण। इसको व्याकरण के महाभाष्य में पाठांतर से दो बार आया है। त्रीणी दस्यावदाता में जिसकी तीन बात शुद्ध है योगिर विद्या से कर्म से, माता पिता की परंपरा शुद्ध हो, विद्या शुद्ध हो और आचरण शुद्ध हो। एक शिवो विजाने भी ब्राह्मण आदि से लक्षण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण का लक्षण है। उसमें भी तीन बात है कि जब ब्राह्मण के प्रति भक्ति रहोगे भक्ति करोगे तो देंगे और नहीं तो भगवान की कबहुत करी करुणा करोगे ही देव ईश गुरु देव सने ही अकारण करो भगवान कभी कृपा कर। कभी कृपा करने का अर्थ है कि अनाथ बाल से हमारे संचित कर्म की परंपरा चल रही है। मनुष्य शरीर मिलने की बारी कब आएगी ये तो किसी घटना में है नहीं। कारण करुणा मंत्रालय भगवान कभी कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं, जिसमें विद्वान सदाचारी अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्त जो ब्राह्मण को है ब्राह्मण की प्राप्ति जिनको हुई है उनकी सेवा करने से संत का दर्शन होता है। और संत भीतर की आंख देखा है, सूर्य बाहर की आंख देखा। इसी बात के महाराज ने सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही उपमा दी। संत उदय संत उदय संत सुखकारी विश्व सुखद जिन हिंदू तमारी तुम्हारी हिंदू और तमारी तुम्हारी माने सूर्य और हिंदू माने चंद्रमा। तो प्रकाशक भी है और आह्लाददायक भी, चंद्रमा आह्लाद देता है और सूर्य प्रकाश देता है। तो संत की प्राप्ति होने से परमात्मा के स्वरूप का प्रकाश होता है और परमानंद का अनुभव होता है। बहिरंग का सबक देता परंतु सूर्य चंद्रमा तो बाहर रहकर देते हैं और संत जो है ये तो अंतश्चक्षु जो है भीतर की आंख खोल देते हैं। भीतर की आंख खुल जाने पर तो परमात्मा का दर्शन होने लगते हैं। संतो विष्णु चक्षुंसी बहिरंग का समर्थिता है, देवता बांधवा संत संत आत्मा देव देवता संत ही देवता है, भाई बंधु संत संत देवता संत
संत आत्मा संत ही परम प्रेमास्पद आत्मा है। अहमेव च भगवान कहते हैं स्वयं मैं ही संत के रूप में, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। प्रातः काल व्याकरण की बात करते हैं कि व्याकरण से पुरंदर विद्वान है राम प्रसाद जी कृपा की उत्तम कोटि के विद्वानों में से एक और यही से जो बात कर रहा था कि सब सभी सर्वचन संत स्वयं अर्थवत शब्द होने से प्रातिपदिक है और फिर कार्य के सकार से भी होता है मतवर्तीयता प्रत्यय होती संत से होता है वो उसी की नमन सुना दी है। वो बात को अपने हाथ में है आचरण और विद्या जो एक पिछली बात है माता पिता की परंपरा कुछ ऐसे लोग हैं जो है तो ब्राह्मण जन्म से लेकिन माँ बाप कुछ परंपरा गलत है तो परंपरा में कुछ विशेष होता है अपनी वंश परंपरा जो है सब में एक एक विशेष होता है तो लोगों को नहीं मालूम पड़ता है सबकी बदलाव में नहीं है। इसको ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए संस्कार करवाया गया महाजज्ञ ब्राह्मीय ये शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए गर्भाधान जात कर्म आदि संस्कार इसीलिए करवाए जाते हैं शरीर परमात्मा की प्राप्ति के योग्य हो जाए। भगवान के नाम में वंदना में तीन वर्णों का लक्षण मिलता है विधि हरिहरमय और आगे चलकर कहते हैं आखर मधुर मनोहर दो और उसमें कहते हैं वर्ण विलोचन वो दोनों अक्षर वर्ण विलोचन हो नर नारायण सरी सुधाता हो और भगत की सूती अकल करण विभूषण हो तो एक दोनों कान में एक ही किस्म का भूषण श्रुति पहनती है तो यह लकार और मकार दोनों अक्षर उसमें बनते नहीं है वो तो आखर किधर इशारा है तुलसीदास जी का प्रकाश जो प्रत्यक्ष है वही है और रहस्य नहीं बोलना जो प्रत्यक्ष है ये नहीं कि ठीक है राम नाम का कोई दूसरा अर्थ है बहुत आध्यात्मिक और आध्यात्मिक बनाने से उपासना में अंतर प्रेम विघ्न पड़ता है प्रेम वर्ण तो वर्ण प्रीति गाती वहां यदि उसको आध्यात्मिक या आध्यात्मिक कर देंगे तो हमारे जो परम कृपालु भगवान दशरथ नंदन और यादव पुरुषोत्तम को करके आए हैं हमारे वे पसंद नहीं है वे किसी के प्रतीक है प्रतीक माने तो प्रतिनिधि होता है आज गुरु जी नहीं है तो उनके फोटो की पूजा कर ली जाए प्रतीक माने प्रतिनिधि होता है स्वयं नहीं तो वे किसी के प्रतीक है ऐसा मानना तो अपने इष्ट देव को कहीं बहुत दूर कर देना साक्षात ही यही कौशल्या भगवान यही दशरथ नंदन यही अवध नरेश यही सब कुछ नहीं है तब दूसरी जगह ढूंढने जाते हैं किसी के नमिता में कमी रह जाती है तब दूसरी जगह जाते हैं। साकार उपासना में वो न्यूनता है कि हम साकार रूप को पूर्ण नहीं समझते हैं इसलिए दूसरी जगह बन जाते हैं। सीधा साधा अर्थ है सीधी साधी बात यदि ज्ञान वैराग्य का वर्णन करना हो तो ज्ञान वैराग्य का नाम ही लेके वर्णन कर दो इस नाम की नाम की पवित्रता वही बना नारायण 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 श्रीमन नारायण जी ने बहुत आनंद दिया श्री रामचंद्र भगवान वो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं और
उनको आनंद देने वाली मिथिलापुरी है और इस प्रसंग को सुनकर हम लोगों ने बहुत आनंद लिया है। मैं आशीर्वाद क्या दूं, मैं तो आप लोगों का दर्शन करने के लिए ही आया हूं। आप लोग समझते होंगे कि आप मेरा दर्शन कर रहे हैं और आप तो सब हमारी जन्मभूमि के हैं, पिता माता के समान हैं, कोई भाई के समान है, कोई पुत्र के समान है और शरीर का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि मैं कुछ व्याख्यान दे सकूं। आप लोगों की उन्नति हो हर दिशा में, ज्ञान विज्ञान में, भगवत भक्ति में। मैंने यह देखा था गांव गांव में पहले रामचरितमानस का गान हुआ करता था। यहां कई लोग ऐसे थे जिनको श्री रामचरित श्री तुलसीदास जी महाराज के 12 ग्रंथ कंठस्थ थे। खड़ान के ठाकुर साहब थे, उनको 12 ग्रंथ तुलसीदास जी के कंठस्थ थे। एक थे नारायण, वो भाषा में बात ही नहीं करते थे, कोई भी बात उनसे करनी हो तो श्री रामचरित मानस की चौपाई बोलते थे, उसी से उनका व्यवहार होता था। ये तो श्री राम प्रेम की भूमि है, भगवान श्री रामचंद्र जब बक्सर गए होंगे इधर से ही तो गए होंगे। जय 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 अवध से बक्सर जाने का मार्ग यही है और यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं इस प्रदेश में। संतों को मौनी बाबा का स्थान है चोचकपुर में, चकेरी में एक महात्मा का स्थान है, हमारे कानरपुर प्राण में परमहंस जी महाराज का स्थान है, जनकपुर है बदाहू के पास एक जनकपुर है, यहाँ अपने गांव के पास ही एक स्थान है, नाम उसका मुझे भूल गया है, बचपन में मैंने दर्शन किया था। बड़े बड़े संत इधर हुए हैं। अयोध्या जी में श्री राम रमा बाबा थे, वो यहीं के थे। वहाँ धर्मदास जी थे, वो भी यहीं के थे। इस भूमि में बड़े बड़े संत महात्मा प्रकट हुए हैं। ये तो पूर्ण भूमि है, आप लोग यहाँ रहते हैं, आपके हृदय में सद्भावना हो, आपका चरित्र पवित्र हो, आप लौकिक उन्नति में भी धन धान्य से समृद्ध हो, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो, भगवान की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। मुझे कुछ व्याख्यान नहीं देना है, मुझे कैंसर हो गया है तो मैं औषधि के बल पर ही बैठता और बोलता हूँ, वैसे शरीर में अब बैठने की शक्ति नहीं है। मेरे मन में एक उत्साह आया कि चलें घूम आवें तो उससे शरीर में शक्ति आ गई है और भगवान की कृपा से और आप लोगों की शुभकामना से सब मंगल ही मंगल होगा। हम तो चाहते हैं समस्त विश्व की मानवता उन्नति करे और अपने सद्गुणों से, मानवता के सद्गुणों से संपन्न हो। भारतवर्ष की तो परंपरा ही रही है धर्म की, यहाँ यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ के जो जनता का बड़े लोगों का चरित्र है बड़ा ही मंगलमय है। अब तो देखते हैं लोगों को 3-4 पीढ़ी का नाम भी, 3-4 पीढ़ी तक का नाम भी नहीं आता है। हम किसी से पूछते हैं तो उनके वंश में कौन है, उनके वंश में कौन है तो नहीं बता पाते हैं। ये महराई में ये जो पोखर है अब तो पट गई, ये महाराजा चेत सिंह के समय में बनी थी और उन्होंने हमारे पूर्वज जो महादेव द्विवेदी सरयूपार से आए थे उनको उन्होंने यहाँ यज्ञ करा करके दक्षिणा में दी थी। और बलवंत सिंह, राजा बलवंत सिंह और यहाँ के हमारे क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय वंश बड़ा प्रबल है, 22 हैं, क्या क्या उनकी गिनती है, 22 हैं, 27 हैं, 12 22 27 हाँ। और
बड़े प्रतापी हुए हैं ये लोग। हम तो चाहते हैं कि सारे विश्व की, भारतवर्ष की, यहाँ की जनता विशेष रूप से उन्नति करे और अर्थ की, धन धान्य संपत्ति की और सुख समृद्धि की और धर्म की और परमेश्वर के प्रति प्रीति की, भक्ति की दिशा में सब लोग बढ़ें। तो मैं हृदय से आप लोगों को शुभकामना की कामना करता हूँ और मेरे लिए इतना कष्ट उठा के आप लोग गांव गांव से आए, इसके लिए मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ आप लोगों का। ओम शांति शांति। जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। उनकी कृपा करुणा की जय। भाई बहनों, सबसे प्रार्थना है कि